नमस्कार, ग्राम पंचायत चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो उन नए प्रत्याशियों के लिए है जो लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव, प्रधान का चुनाव, बीडीसी का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव। तो जिला पंचायत का चुनाव थोड़ा पार्टी वाइज होता है, लेकिन जो ग्राम प्रधान का चुनाव है वो पार्टी वाइज नहीं है और पार्टी वाइज कभी हो भी नहीं सकता है। मैं मानता हूँ कि जिन ग्राम सभाओं में 1000 से लेकर के 2000 तक मतदाता हैं, उन ग्राम सभाओं का चुनाव, उन ग्राम प्रधानों का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर एक सिस्टम से काम करे, एक सिस्टम से वह मेहनत करे, तो निश्चित रूप से उसको जीत हासिल होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आपके गांव में, आपके ग्राम पंचायत में अगर 1 से लेकर 2000 तक, एक वोटर का तो ग्राम पंचायत होता नहीं, मान लीजिए मैक्सिमम 2000-1500 वोटर हैं, तो आप अपने ग्राम प्रधानी चुनाव में किस तरह से जीत हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको टिप्स बताना चाहूँगा। तो अगर थोड़ा समय आप देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहद फायदा होगा। अब इसमें क्या है, कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता कि हम किस तरीके से काम करें। जनता के बीच में जो वर्तमान में प्रधान है, या 2-4 साल से या 2-4 बार से पहले से ही प्रधान है, तो उनकी छवि कुछ ही क्षेत्र में बनी रहती है। और 60% मतदाता हमेशा, 65% मतदाता हमेशा कुछ नए विकल्प की तलाश में रहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रधान 100% पब्लिक को सेटिस्फाई नहीं रह सकता, नहीं रख सकता। तो आप ऐसे में उसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, आज हम बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपके बीच में रखूँगा, उन पॉइंट्स पे आप काम करिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहला आपके गांव में जो आशा है, आशा से आपका बढ़िया तालमेल हो, बढ़िया संपर्क हो। अब आशा से तालमेल संपर्क करके आप क्या फ़ायदा पाएंगे और क्या करेंगे, इस पर मैं बात करता हूँ। देखिए, आपके ग्राम पंचायत में हर वर्ग के लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हों, उनके घर में डिलीवरी केस कहीं कहीं होना ही है। तो डिलीवरी केस जितना भी रहता है वो आशा हैंडल करती हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि किस परिवार में कौन सी महिला गर्भवती है और कब बच्चा पैदा होने वाला है और वो किस कंडीशन में है, किस हॉस्पिटल में गया, प्राइवेट में गया कि सरकारी हॉस्पिटल में गया, उसकी टेक केयर करने के लिए आशा महिलाएं होती हैं। तो अगर आप आशा से बराबर संपर्क में रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे ग्राम सभा में, मान लीजिए 1500 वोटर की ग्राम सभा है, तो 1500 में से कम 30-35 या 50 ऐसे महिलाएं होंगी जो गर्भवती हों उस वक्त या उस सप्ताह या उस महीने। हर महीने लगभग इस तरह की कंडीशन 35-50 लोगों का होता ही होगा। तो अब ये सोचिए, आशा के माध्यम से आपको ये जानकारी पता चल गया कि किस घर में गर्भवती महिलाएं हैं। अब आप आशा के माध्यम से ही उस घर में बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और वहां पर जो सुविधा आशा के माध्यम से सरकार द्वारा दिया जाता है, उन सुविधाओं में आप कुछ अपनी सुविधा बढ़ा करके आशा के हाथ से ही दिलवा दें। भले ही वह व्यक्ति, वह मतदाता आपके हाथ से लेना पसंद न करे, आपको न उतना पसंद करे, लेकिन आशा उसके साथ हर महीने विजिट कर रही है, आशा जो देगी वो रख सकता है। तो आप अपनी मदद आशा के माध्यम से उस महिला तक पहुँचाएँगे और आप भी उस चीज़ को अंतिम दिन तक, यानी जिस दिन डिलीवरी होता है उस दिन तक अगर आप खबर रखते हैं, सरकारी अस्पताल में अगर बच्चा पैदा हो, घर पे बच्चा पैदा हो, प्राइवेट में पैदा हो, अगर अस्पताल में गया, गवर्नमेंट में चाहे प्राइवेट में, तो पैसा लगना ही लगना है। तो आप उस जगह पहुंच करके, सबसे पहले पहुंच करके, सबसे अधिक समय तक वहाँ समय दे करके कुछ पैसों से मदद करें, कुछ वस्तुओं से मदद करें, कुछ खाने पीने वाली चीज़ों से मदद करें, कुछ दवाई, डॉक्टर, अगर स्टाफ कोई अनसुना कर रहा है तो
तो वहाँ रह करके आप उसकी देख रेख में डॉक्टरों से थोड़ा सा अपने स्तर से विनती करके या दबाव दे करके जैसे भी हो सकता है आप मरीज का उस महिला का इलाज और देख रेख अच्छे से करा देते हैं। तो ये मान के चलिए अगर आप इस तरीके से आप अपने 1500 वोटर की ग्राम सभा में अगर इस तरीके से मात्र 30 परिवार में ही अगर इस तरीके का नेक काम करते हैं तो एक परिवार से 4 वोट अगर एवरेज लिया जाए तो 30 × 4 = 120 वोट। अब इस 30 परिवार में वे परिवार भी शामिल होंगे जो पुराने प्रधान के बहुत ही खास होंगे। तो ऐसे समय में कोई किसी का खास नहीं महसूस करता है, वो ये महसूस करता है कि इस समय मेरे पास कौन है वही खास है। तो आप अगर वहाँ पर चढ़ बढ़ के जाते हैं, समय देते हैं, मदद करते हैं और अपनेपन का वहाँ पर व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से 30 परिवार से आपको वोट मिलने ही वाला है। और यहाँ पर मदद करना, दवा देना या किसी भी प्रकार की वस्तु देना, अब बच्चा पैदा होता है तो लोग जाते ही हैं तमाम तरीके का उपहार लेकर के, तो बहुत सारा आपके पास एक कहते हैं इसको कह सकते हैं बहाना है या तरीका है अपने नए मतदाताओं के साथ जुड़ने का। इसी को कहते हैं नेक काम समाज सेवा। भले आप उसको बाद में वोट में कन्वर्ट करेंगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये एक समाज सेवा का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आप बड़े ही आराम से इतने कर सकते हैं। दूसरा, गांव में वृद्धा पेंशन हर एक वृद्ध का नहीं बना हुआ है, आप पता कर सकते हैं, आप जानते भी होंगे। तो जितने लोगों का नहीं बना हुआ है उतने वृद्ध लोगों का पेंशन बनवाने के लिए आप अपने निजी खर्चे से प्रयास करें। सिर्फ उनका डॉक्यूमेंट्स आप प्राप्त करें, उनसे कलेक्ट करें, लेकिन बनवाने के नाम पर पैसा आपको नहीं लेना है। वृद्धा पेंशन बनवाने के नाम पर आप पैसे न वसूलें, सिर्फ और सिर्फ आप उसको बनवा दें, वृद्धा पेंशन उनको भी मिलने लगे, इसके लिए आप अपना अथक प्रयास कीजिए। समाज कल्याण से लेकर के ग्राम पंचायत तक जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ आप जाइए, मेहनत कीजिए। हो सकता है कि कुछ सफलता आपको मिल जाए, हो सकता है कि कुछ पेंडिंग रह जाए। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपके 1500 वोटर में से 100 बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, यानी 100 परिवार फिर आपने टच किया। अब 100 बुज़ुर्ग में से अगर आप मान लीजिए सिर्फ 20 ही लोगों का पेंशन बनवा पा रहे हैं, 80 किसी वजह से फंसा हुआ है, तो 20 यहाँ 30 यहाँ तो 30 के 30 आप जाएंगे, यहाँ तो पॉजिटिविटी है, ये आपके बस में है मदद करना, पहुँचना ये आपके बस में है, लेकिन सबका पेंशन बनवा देना आपके बस में नहीं है। तो 100 में से 20 तो आप करा सकते हैं, दौड़ भाग करेंगे, इनके लिए परेशान होंगे, इनके दिमाग में कम से कम आप रहेंगे तो इनको पता तो चलेगा एक व्यक्ति है जो हमारे लिए दौड़ रहा है, एक व्यक्ति है जो अपना पेट्रोल लगा के दौड़ रहा है, एक व्यक्ति है जो अपना समय दे रहा है, एक व्यक्ति है जो बिना एक रुपया लिए हमारे लिए दौड़ रहा है। तो ये होता है पब्लिक से कनेक्ट होने का मजबूत रास्ता और रोड मैप जिसको बोल सकते हैं। तीसरा, जिन लोगों का वृद्धा पेंशन रुका हुआ है आप इसी के समकक्ष इसको भी ले सकते हैं, रुका हुआ भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आती है, आप स्कूल के बच्चों के संपर्क में भी रहेंगे, आप भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, फिर भी आपके गांव में प्राइवेट अध्यापक ऐसे होंगे जो 5000, 10000, 8000, 9000 की सैलरी पर किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते होंगे या कहीं छोटा मोटा ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते होंगे, बहुत बड़ा नहीं छोटा मोटा। आप इन बच्चों से क्या फ़ायदा पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्या करेंगे, आपके 1500 वोटर में से आपके बीच में लगभग 200, 250 या 300
बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल में अलग अलग विद्यालय में जाते होंगे, प्राइवेट सरकारी तमाम विद्यालय में, तो आपको क्या करना, 300 बच्चों के लिए 5-5 रुपए की पेन और कुछ 10-10, 20-20 रुपए की कॉपी और कुछ सील्ड टाइप या पुरस्कार टाइप अलग अगर आप दे सकते हैं तो 10-20 और ले लीजिए। इतना रख करके एक प्राइवेट अध्यापक पकड़िए जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हों, उनसे कहिए कि एक स्कॉलरशिप यानी एक छात्र एक टेस्ट है, उस टेस्ट को देने वाले बच्चों में जो बच्चे अच्छा नंबर पाएंगे या कुछ भी लिख कर लगाते हैं, सारा ना गलत करें कुछ भी बेहतर करते हैं, तो सारे बच्चों को कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। बता सकते हैं किसी भी संस्था का ये है टेस्ट, किसी अदर संस्था का नाम लेकर के टेस्ट बता सकते हैं, बस उसके आयोजक आप और वो अध्यापक हो प्राइवेट जो ये टेस्ट कराएगा। अब प्राइवेट अध्यापक क्वेश्चन पेपर बना देगा, क्वेश्चन पेपर आप बाज़ार में टाइप कराएंगे 20-25 रुपये में, प्रिंट करा देंगे 1-1 रुपये के हिसाब से, 300 बच्चों के लिए 300 पेपर प्रिंट हो गया, बच्चे अपने घर से रेडी होकर आते हैं, आप टेस्ट कराते हैं किसी विद्यालय में और सबकी कॉपी प्राइवेट अध्यापक से चेक करा देंगे 400-500 रुपये दे करके। उसके बाद उन बच्चों को उसी अध्यापक के माध्यम से एक जगह सम्मानित करते हुए आप कुछ पेन दे दें, कॉपी दे दें या और भी कुछ दे दें, तो ये क्या होगा, 300 बच्चों में से कम 150 बच्चे आपका फेस, आपका चेहरा याद रखेंगे, आपके व्यक्तित्व विचार को याद रखेंगे और ये एक पॉजिटिव संदेश अपने घरों में पहुंचाएंगे आपके लिए। तो यहाँ पर क्या आपके फ़ायदा होगा कि आपका समाज में जो पॉजिटिविटी है, जो सार्थक विचार है, उसका प्रचार ये बच्चे करेंगे, आपका नाम बार बार ये बच्चे ही अपने गार्जियन को बताएंगे दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप इन तीन तरह से तरीके तो बहुत हैं कि वीडियो में बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे 2-3-4 तरीके लेकर के हम वीडियो के बीच में आते रहेंगे, आप वीडियो देखते रहें, ज़रूर मेरे से कुछ ज़रूर सीख करके कुछ ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी पहचान, अपना एक समाज में अच्छा व्यक्तित्व, समाज में अच्छे कार्य करने के लिए जाने जाएंगे, तो इस तरीके का काम आप कीजिए। बहुत खर्चीला कुछ भी नहीं है इसमें कुछ भी खर्चीला नहीं है, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब 0 रुपये 0 बैलेंस पर ग्राम प्रधानी का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, गवर्नमेंट आपसे पर्चा दाखिला नामांकन के लिए पैसे ले रही है, तो बताइए आप चुनाव कैसे फ्री में लड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं समाज के बीच में कुछ सामाजिक काम कीजिए तो आपकी अच्छी छवि बनेगी और अच्छा संदेश जाएगा और बाद में वही अच्छा संदेश आपका वोट में कन्वर्ट होगा। तो बड़ी बड़ी बातें हैं, आने वाले समय में होती रहेंगी वीडियो के माध्यम से, बस आप को अगर अच्छा लगा हो मेरा एक भी पॉइंट इसमें से अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता सकते हैं और कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।